नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। आपकी टॉप 10 की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। आप सांसद संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित। साधु के वेश में भीख मांग रहे थे मुस्लिम युवा। नोएडा की मेट्रो हॉस्पिटल पर आईटी का छापा। लालू के ओएसटी रहे भोला यादव गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को धमकी। भूकंप के तेज झटकों से कांपा फिलीपींस। मंकी पॉक्स से न्यूयॉर्क में दहशत। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 बदमाशों पर लगा गैंगस्टर। शिमला शहर का सर्कुलर रोड बहाल। आदि पुरुष बनेगी भारतीय सिनेमा की नई पहचान। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सदन में नारे लगाने, कागज फाड़कर चेयर की ओर फेंकने के आरोप में इस सप्ताह के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। बिहार के वैशाली में बजरंग दल के लोगों ने 6 को पकड़ा है जो साधु के वेश में भीख मांग रहे थे। यह अलग धर्म के बताए गए हैं, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली एनसीआर में बड़ी कार्यवाही करते हुए छापामारी की है। आयकर विभाग की टीम ने नोएडा में मेट्रो हॉस्पिटल पर छापा मारा। इसके अलावा फरीदाबाद में भी 4 अस्पतालों पर कार्यवाही की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसटी भोला यादव को नौकरी के लिए जमीन लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसटी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को अज्ञात व्यक्ति ने पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। पत्र में लिखा है कि सिर तन से जुदा होगा। जिंदल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने और परिवार की जान को खतरा बताया है। फिलीपींस में बुधवार सुबह 6:13 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.0 रही। हालांकि इस दौरान किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं मिली है और न ही सुनामी की कोई चेतावनी दी गई है। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के सामने मंकी पॉक्स का खौफ बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बढ़ती दहशत को देखते हुए न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य आयुक्त ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस वायरस का नाम बदलने की मांग की है। वाराणसी के मलधैया स्थित रेशम फर्म कंपनी के मैनेजर से 1.87 करोड़ की ठगी में गिरफ्तार अंतर्राज्य ठग गिरोह के 4 आरोपियों पर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। गिरोह के मास्टरमाइंड पंकज भारद्वाज सहित समेत 4 पर चेतगंज थाने पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की लाइफलाइन सर्कुलर रोड वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। इस रोड को भूस्खलन के खतरे के चलते बंद कर दिया गया था। डीएसपी ट्रैफिक अजय भारद्वाज ने बताया कि सड़क को दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। कृति सैनन कहती है फिल्म आदि पुरुष हम सबके लिए खास फिल्म है और इसमें सीता का किरदार बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसा किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने फिल्म को जिस तरह से तैयार किया है वह किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनकी मेहनत को मैं प्रणाम करती हूं। उन्होंने फिल्म में सीता की जो छवि गढ़ी है वह अब तक छोटे पर्दे या फिल्मों में दिखी उनकी छवियों से काफी अलग है। मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म आदि पुरुष भारतीय सिनेमा की एक नई पहचान बनकर उभरेगी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।